मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधा ने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में, ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव, आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। और भाई की हाल है शेरिया? ओए संतिया की गल, नवा ट्रक नवे कपड़े, आज खुशी बड़ा नजर आ रहे। पहले तो बड़ा दुखी नजर आ रहा सी। हाँ यार, पहला तो मेरा आत्महत्या करने जी करता सी। मेरा मालिक मैनु बड़ा डांटता सीगा ते मैनु पैसे भी पूरे नहीं देंदा सी। फिर एक दिन मैं परम गुरु आशु भाई गुरु जी दे कोल गया। तो फिर की होया? उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुन के मैनु आ रतन दिता। फिर की सी, अज मेरे को नवा ट्रक नवे कपड़े ते मेरे को पैसा भी बहुत है। वाह भाई वाह, मैनु नजर आशु भाई गुरु जी को। क्यों नहीं वीरे, तेनू भी मैं ले चलना आशु भाई गुरु जी दे कोल, ओ सारे ने कष्ट मिटा देंदे ने। आशु भाई गुरु जी की कृपा नाल अज मेरे कोल ट्रक कपड़े पैसा सब कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम और सुपर हिट बनाने वाले आप सब लोग हैं। एक बात जान लो दोस्तों, कहते हैं जीवन में हर चीज़ का महत्व होता है और सबसे बड़ा महत्व होता है मान्यता का। हमारे पुराने पूर्वज, हमारे पुराने जो लोग थे, वो किसी न किसी देवी या किसी न किसी देवता को या किसी चीज़ को मान्यता करते थे, और वो मान्यता जो है उनके बने हुए काम, बिगड़े हुए काम, अच्छे वाले काम सब बनाती थी। कारण क्या है कि जीवन में जब हम किसी को मान्यता देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका हमारे मन में, हमारे जीवन में औरा बढ़ता है। आप जीवन में एक बात ध्यान से सुन लो, एक छोटा सा वर्ड आपको काबिल बना सकता है और एक छोटा सा वर्ड आपको बर्बाद कर सकता है। कैसे? आप ध्यान से देखिए, आप एक पुलिस का यूनिफॉर्म देखते होंगे, अगर पुलिस के यूनिफॉर्म में साइड में पुलिस ना लिखा हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी पुलिस है, तो आप ये सोचिए कि वो एक यूनिफॉर्म क्या रह गई। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म के अंदर नाम हटा देंगे या उसका टैग हटा देंगे तो वो चीज़ ही बदल जाएगी, उसका रूप ही बदल जाएगा। इसी तरह आपके जीवन में हर चीज़ है कि अगर आप अपना टैग हटा देंगे तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आपका टैग कैसे बढ़ता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे आपका टैग बढ़ता है? आपकी मान्यता से। आपकी मान्यता क्या होती है? घर में एक घर है और उस घर के अंदर घर का मालिक है, और सपोज करो कि घर के मालिक को
कोई मिलने आता है, अब मिलने आता है और मेम साहब कहते हैं, मेम साहब से वो कहता है कि क्या रामलाल जी हैं, तो वो कहेगा कि सेठ जी, वह उनकी वाइफ कहेगी कि सेठ जी भी घर पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक सेठ का तमका लग गया, या उनकी वाइफ ये कहेगी कि वो कहेंगे रामलाल जी घर पे हैं, तो उनकी वाइफ कहेगी कि बाबू जी भी घर पे नहीं है। क्या मतलब है, आप जैसे संबोधन में हैं, आप जैसे विचारों में हैं, आप जैसे बातों में हैं, उसी के अनुसार आपका जीवन है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोग होते हैं जगत के चाचा होते हैं, बहुत लोग होते हैं जगत के मामा होते हैं, बहुत लोग होते हैं सबके भाई होते हैं, बहुत लोग होते हैं बहन जी नाम से पुकार। कारण क्या है, उनके घर से परंपरा शुरू होती है, और जिनके घर से परंपरा शुरू होती है उनके दूर तक बात होती है। परंपरा की बात तो ये है कि आपके जीवन में कब क्या बदल जाए आपको नहीं पता। आपके जीवन में अगर चार बहनें हैं और उनकी शादियां हो गई हैं और उनके बच्चे हैं, दो दो भी हुए तो आठ बच्चे हुए, आठ बच्चे हुए तो घर में मामा मामा की चर्चा चलेगी और मामा मामा कहला जाएगा, तो वो व्यक्ति जगत मामा बन जाएगा। जब उसका बच्चा कहेगा मैं मामा के घर जाना चाहता हूँ, तो माँ कहेगी मैं मामा के घर कल चलूँगी बेटा, कल आपको मामा के घर ले जाएंगे। पापा भी कहेंगे चलो मामा जी के घर चल रहे, तुम्हारे मामा जी के घर बैठ जाओ। वहाँ गए तो नानी बोले अरे देख तेरा मामा क्या कर रहे हैं, तो मामा 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 हो गए, तो मामा ही मामा हो गया और वो जगत का मामा हो गया। बच्चे बड़े हुए, उनके बच्चे हुए, पड़ोसियों के बच्चे हुए, वो तो यार तेरे मामा से मिला। अगर मामा सेलिब्रिटी है तो मामा तो फिर मामा ही बन गया। ऐसे ही चाचा है, ऐसे ही ताऊ है, ऐसे ही तमाम रिश्ते हैं कि रिश्ते आपके घर से, आपके संबंध से, आपके यहाँ से शुरू होते हैं। और जो रिश्ता एक बार बन जाए वो रिश्ता आपके जीवन में छप जाता है, और वो रिश्ता ही आपका आपके जीवन के लिए होता है। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है, आप कौन से रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप मामा हैं और मामा नहीं आप कहलवाना चाहते, रिंकू कहलवाना चाहते हैं, तो रिंकू मामा, मामा हट जाएगा, रिंकू रिंकू रह जाएंगे। कारण क्या है कि हटना और लगना, अब केवल मामा ही बोला गया तो रिंकू नहीं बोला गया, तो रिंकू नहीं हटेगा, मामा नहीं हटेगा। कारण क्या है, जिस चीज़ को लोग ज़्यादा पुकारते हैं वही जुबान पे रहता है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर में क्या है, आपके घर में दो बच्चे हैं, सपोज करो एक बच्चे का नाम सीमा है और एक बच्चे का नाम शशि है, दो बच्चे हैं। अब आपको मोहल्ले वाले, घर के बाहर वाले ज़्यादातर किस नाम से पुकारते हैं। जो बच्चा ज़्यादा नोटी है, पड़ोस में खेलने जाता है, पड़ोस में बच्चों से दोस्ती करता है, बच्चों के साथ बर्थडे में जाता है, घर के अंदर बच्चे आते हैं, तो वो क्या होंगे, शशि की मम्मी, शशि की मम्मी। जिसका ज़्यादा बर्थडे मनाया गया, जो ज़्यादा बच्चों से घिल मिल गया, उसकी माँ बन गए। जैसे मेरी माँ थी, आशु की मम्मी कहाँ है, अरे आशु की माँ को बुलाओ, कमाल की बात है। ऐसे करते करते आशु की माँ भी प्रचलित हो गई, आशु भी प्रचलित हो गया। हर चीज़ में यही बात है कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ कैसे एकदम से उठ जाए और कौन सी चीज़ का आपके भविष्य में नाम छप जाए। नाम आपका तभी होता है जब आप अपने घर से किसी योग्य बन जाते हैं। जब तक आप अपने घर में योग्य नहीं होते, घर से ही नाम निकलता है, घर से ही चिड़ निकलते हैं, घर से ही ऐप निकलता है, और घर से ही आदमी सही होता है। कारण क्या है, घर में आप ज़्यादातर रहते हैं। आपके जीवन की बात करूं तो आप अपने जीवन में लगभग 20 साल तो सोने में गुजार देते हैं, लगभग 20 साल सोने में गुजार देते हैं, और लगभग 1-1.5 साल तक बालों में लगा देते हैं, बाल संवारने में, बालों से संबंधित कोई भी काम।
एक महिला को बोलो सारा दिन शीशे के सामने खड़ी हो सकती है। कारण क्या है? शीशे में आकर्षण है और महिला में आकर्षण है कि वो अपने आप को बनाने संवारने के लिए, वो अपने आप को देखने के लिए शीशे का ज़्यादा यूज़ करती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शीशा हमारे घर के अंदर वास्तु दोष को निपटाने का भी काम करता है। शीशा आपके दोष को भी निपटाने के कारण करता है। आपके आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है, शीशे के लेंस से या शीशे से ही तो देखा जाता है। आपके अंदर कोई भी दोष है, बालों में कहीं भी डेंड्रफ है, बालों में कहीं भी प्रॉब्लम है, स्किन में कहीं भी प्रॉब्लम है, बारीकी से देखने के लिए या किसी बारीक जीवाणु को देखने के लिए या आपके ब्लड को टेस्ट करने के लिए क्या है? मशीन में शीशा ही तो है। आप जीवन को अपने आप से कितना जोड़ कर रख सकते हैं, आप जोड़ कर रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जीवन को जब तक जोड़ कर रखेंगे वो जीवन आपका उतने हद तक काम करेगा, उससे भी ज़्यादा काम करेगा। लेकिन हम क्या हैं आजकल, आप देखें प्रवचन में या कहीं पर भी बातें की जाती हैं बड़े लोगों से जोड़कर, वो फलाना इतना बड़ा था, वो फलाना इतना बड़ा था, वहाँ ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा किया, बुद्ध ऐसे थे, फलाने ऐसे थे। आज भी हमारा जो देश है, आज भी हमारे जो बहुत बड़े लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, वो भी किन्हीं के परंपराओं पर बात करते हैं। पहले की बात बताऊं तो पहले मवेशियों पर आदमी अमीर होता था, 100 ऊँट हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तो वो उनकी संपत्ति थी, ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी। कहीं पर भी रह लो, कहीं कितनी भी जगह घेर लो, सब जगह ही खाली ही पड़ी थी। आज ज़मीन की वैल्यू है। आज ज़मीन के टुकड़े से आपकी हैसियत नापी जाती है कि आप कितने अमीर हैं, आपकी हस्ती क्या है और आप क्या हस्ती रखते हैं। आलीशान मकान आज आपका आपकी हस्ती बताता है कि महल जैसा मकान है, कोठी जैसे घर है या किस तरह का घर है। भाई पहले तो सब कच्चे ही घर होते थे, पहले तो सब साधारण घर होते थे, और आज की बात करें तो आज घर का दरवाज़ा भी 1 लाख रुपए का हो सकता है। आज घर का दरवाज़ा भी ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि ये कैसा दरवाज़ा है। आज की बात तो खैर आज ही है, और जीवन में आज की बात से संबंधित होकर, प्रेरित होकर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम ऐसी बातें इसलिए करते हैं दोस्तों कि आपको पता लगे आज हमने क्या किया, आज हम कितनी तरक्की पे हैं, आज का जीवन हमारा कैसा है और कैसे कैसे जीवन से हम गुजर रहे हैं। आज हम शिक्षा की दौड़ में लगे हैं, पढ़ाई लिखाई की दौड़ में दौड़ते हैं। हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाता है, फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है तो हमारा दिल बहुत खुश होता है। ये समझो कि हमने जो उसके ट्यूशन पर, जो उसके फीस पर खर्चा किया, असूल हो गया। और वही अगर हमारा बच्चा किसी कारण से फर्स्ट नहीं आता या पास नहीं होता तो हमें बड़ा दुख होता है और ऐसा लगता है कि हम सबसे पीछे रह गए। दोस्तों एक बात है, तो कर्म है, आप पढ़ाई से किसी चीज़ को कैसे नाप सकते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें तो कोई बहुत पढ़ा लिखा था ही नहीं, फिर इतने बड़े बड़े आविष्कार कैसे हो गए। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, उन्होंने इतिहास बनाया है, उन्हीं के इतिहास से हम सब उनके साथ चलते हैं, उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया है, तो उनको याद करना तो बनता है, उनके लिए मन में श्रद्धा रखना तो बनता है। हम बड़े आदमी से इसलिए मिलते हैं कि बड़े आदमी से मिलना हमारा सौभाग्य है, और जब हम बड़े आदमी से मिलते हैं तो हमारा औरा बदल जाता है, हमारी नेगेटिव जो हमारे मन में नेगेटिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, और मन में गर्व होता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं, हम भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं, हम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं। हमारे मन में गर्व होता है और गर्व से हम ये कहते हैं कि देखो हम वहाँ भी ऐसे बैठ कर आए हैं। ये तो बात रही दोस्तों बड़ी, चलो हम देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं और क्या जानना चाहते हैं। जी हाँ जी, और सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, बहुत बहुत आशीर्वाद हो, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप बोल रहे हैं। गुरुजी मेरा नाम
नाम रजनी शर्मा है और मैं बरनाला पंजाब से बोल रही हूँ। जी हाँ जी गुरु जी, हम आपका प्रोग्राम 8 साल से देख रहे हैं। 8 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं जी। हाँ जी, और आपके हमें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। ठीक है। हाँ जी, आज गुरु जी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बेटे अपना हाइट बताए कितना है? गुरु जी मेरी हाइट है 5'2". 5'2". आप बताएं आपका चेहरा गोल है या लंबा है? नहीं, चेहरा ना गोल है ना लंबा है। ठीक, ओवल शेप का, अंडेकार शेप का है। जी हाँ। अच्छा ये बताएं आपके दोनों लिप्स बराबर हैं या एक होंठ थोड़ा सा मोटा है? नीचे वाला थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, आप बताएं आपकी गर्दन लंबी है, पतली है या मोटी है या छोटी है? छोटी है गुरु जी, थोड़ी सी पतली और छोटी है। ठीक है, बाल बताएं बेटा मोटे हैं या बहुत मुलायम हैं? गुरु जी मेरे बाल मुलायम हैं और कंधों से थोड़े से नीचे हैं। ठीक है, आप बताएं हमारी बिटिया पापा जैसे दिखती है या मम्मी जैसे दिखती है? ना पापा जैसी दिखती हूँ गुरु जी, ना मम्मी जैसी। अच्छा तो मामा जैसे हैं क्या आप? उधर से हो सकती हूँ लेकिन मम्मी या पापा जैसी नहीं हूँ। ठीक है, आपकी एजुकेशन जानना चाहेंगे कितनी है? गुरु जी मैंने MA BEd किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। अभी गुरु जी मैंने ना एक पीछे टेस्ट दिया था, वो टेस्ट मेरा क्लियर हो गया, लेकिन आगे ना टाइपिंग टेस्ट होगा। मुझे वही जानना है कि मेरा वो क्लियर हो जाएगा। महकमा क्या था, क्या डिपार्टमेंट? गुरु जी वो इसमें पंजाब बोर्ड में है, क्लर्क की टॉप जॉब में। ठीक है, आप ये बताएं बेटी आपके पैर बहुत अच्छे हैं या बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं? गुरु जी मेरे पैर छोटे छोटे हैं। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले अच्छी बात बताऊं या बुरी बात बताऊं? दोनों ही बता दो गुरु जी, जो आपका मन करते पहले वो बता दीजिए। देखो यहाँ तो आपके सिलेक्शन होने के 80% चांस हैं। ठीक है गुरु जी। लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब वो चीज नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा गुरु जी, क्योंकि मेरा ना ये लास्ट चांस ही होगा, उसके बाद तो 5 साल के बाद में एज निकल जाएगी। ठीक है, अगर लास्ट चांस है तो ठप्पा लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी गुरु जी लगा दीजिए। लगा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बेटी। हाँ जी गुरु जी। क्या आपने कभी अपने दांत गिने हैं? आपके मुंह में कितने दांत हैं? 28 हाँ। है, 30 है या कितने हैं? 32 दांत है गुरु जी पूरे। 32 दांत है। कितनी आयु हो गई आपकी? मेरी गुरु जी 35वां पूरा हो जाएगा अब सितंबर में। तो ठीक है, आपकी अक्कल दाढ़ निकल गई है ना? हाँ जी हाँ जी। अक्कल आ गई। ठीक है, एक बात बताता हूँ बेटी मैं आपको। हाँ जी गुरु जी। आप जब सोएंगे ना तो जल्दी से आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा लगेगा मन बेचैन है, ठीक नहीं है, मन में सोचे ना बढ़ती जाती है। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी मेरी ना 14 अक्टूबर को अभी मैरिज हुई है। हाँ जी 14 अक्टूबर को मैरिज हुई है मेरी। लड़के का नाम बताओ। लड़के का नाम है मनीष, वैसे उसको घर में मोनू बोलती है। क्या करता है वो? गुरु जी वो गवर्नमेंट जॉब करता है, क्लर्क लगा हुआ है कोर्ट में। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी जॉब लगेगी तो उससे तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी तो उसको चिड़ तो नहीं बचेगी? नहीं नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है। ओके, मैं पहली तनख्वाह तो आपको पता है कहाँ जाएगी? हाँ जी हाँ जी गुरु जी, पक्का आपसे वादा है जी कि पहली तनख्वाह आपके पास लेके आऊंगी मैं। ठीक है बेटी। अब मैं एक बात बताऊं। हाँ जी गुरु जी। पहले तो उस लड़के का नाम पूरा बता, पूरा नाम। पूरा नाम उसका मनीष कुमार। मनीष कुमार। बाल बता बेटे पूरे है या बाल छोटे रखता है या बाल स्टाइलिश रखता है या कैसे बाल है? गुरु जी उनके घुंघराले बाल हैं और उनके बाल थोड़े से बड़े हैं। ठीक है। अच्छा ये बता चश्मा तो नहीं लगाते हैं? नहीं गुरु जी चश्मा नहीं लगाते। एक अच्छी बात बता दूं? हाँ जी गुरु जी। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ जी गुरु जी बहुत अच्छी है। तेरे से भी 21 है। हाँ जी गुरु जी है तो बहुत अच्छी। अभी तो 21 है लेकिन हम तुझे 25 बना के छोड़ेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि तेरी नौकरी लगेगी तो फिर तो हम तुझे 25 में गिनेंगे ना। हाँ जी गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बता बेटी। हाँ जी गुरु जी। ये रिश्ता किसने करवाया? गुरु जी हमने ना न्यूज़पेपर में दिया था, वहाँ से देखा था उन्होंने, तो फिर उन्होंने फोन किया था। ठीक है। हाँ जी गुरु जी। तुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम? हेलो। हाँ जी गुरु जी। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटी?
गुरु जी मेरा ना वहाँ से मन नहीं लग रहा, जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरा मन बेचैन हो जाता है वहाँ के। अच्छा, इनका अपना घर है? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, अपना घर है। कहाँ पे बेटा? नापा में है गुरु जी। ठीक है। हाँ जी, तो तुम्हारा कमरा है वो पीछे की तरफ है कि आगे की तरफ है? गुरु जी पीछे की तरफ है, पीछे थोड़ी सी जगह भी छोड़ी हुई है लेकिन पीछे है हमारा कमरा। अच्छा एक बात बता, तेरी जो ड्रेस थी, ड्रेस थी जो तेरी शादी वाली ड्रेस थी, हाँ जी गुरु जी। वो किसी जगह अटक के थोड़ी फट तो नहीं गई थी? नहीं गुरु जी, फटी तो नहीं थी लेकिन जब फेरे हो रहे थे ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था। नहीं वो वाली बात नहीं है, जब तू हाँ उसे उतार रही थी तो वो अटक जानी चाहिए थी किसी चीज में, ध्यान कर बेटी तू। गुरु जी, अभी मुझे ध्यान नहीं है। और सिलाई कड़क गई थी, जैसे चट जाती है ना सिलाई, ऐसे हो गया था। अच्छा ठीक है गुरु जी, और मैं एक बात बताता हूँ कि मैं तू अपने कपड़े ना संभाल के रखियो, ठीक है गुरु जी। कोई चोरी करके ले जाए एक चीज उसमें से तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। और तेरे मन में ना वहां पे हमेशा डर रहता है, जैसे ऐसे लगता है जैसे सब अपने नहीं है, जैसे कुछ अलग दृष्टि से देख रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, ऐसा होता है मेरे मन में। लेकिन एक बात है, पति तेरा अच्छा है, बाकी सब बेकार है क्या? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, अब हाँ जी, सब अच्छे हो जाए तो इसके लिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी गुरु जी। अपनी सूर्य वाली उंगली में, जो लेडी फिंगर है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस वाली उंगली में क्या तूने शादी की अंगूठी पहनी हुई है? हाँ जी गुरु जी, दूसरे हाथ में क्या अंगूठी पहनी है? दूसरे हाथ की पहली उंगली में भी पहनी हुई है गुरु जी। ठीक है, तो दूसरे हाथ की अनामिक उंगली में आपने दो रत्न पहने हैं। ठीक है गुरु जी, ठीक एक तो आपने पहनना है लहसुनिया है गुरु जी। और एक पहनना है आपने मोती, कितने कितने ग्राम के गुरु जी? 3-3 ग्राम के, छोटे छोटे बनवा के चांदी में पहनने बेटा, दोनों एक ही अंगूठी में पहनने हैं गुरु जी, दोनों दोनों नग एक ही अंगूठी में लगवाने हैं। और चांदी में। हाँ, और शनिवार को पहनने या सोमवार को पहनने हैं। ठीक है जी, समय है गुरु जी। ये क्यों पहनने पता है आपको? हाँ जी गुरु जी, क्योंकि तेरे को ना पीरियड्स की प्रॉब्लम है और तेरे पेट में ना कभी कभी दर्द हुआ करेगा बेटी, ठीक है गुरु जी, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है गुरु जी। और एक बार बता, तेरे कंधे में कभी चोट लगी थी क्या? कंधे में गुरु जी, जैसे कई बार दरवाजा के साथ कोई लग गया या कोई अलमारी लग गई, ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है, ये हाँ जी, उस पंगे को भी ठीक करेगा। ठीक है गुरु जी। अच्छा, तेरे घर में सबसे बड़ा कौन है बेटी? मेरे घर में मेरी बहन है गुरु जी, नाम बता उसका। उसका नाम है मंजू। उसकी शादी हो गई? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। उसके पति का नाम बता। उसका नाम है मोहित मिश्रा। अब ये बता, ये सुखी हैं दोनों? गुरु जी ठीक है लेकिन ना इसके ना वो नहीं है, बच्चा नहीं हुआ, 8 साल होने वाले हैं शादी को। इसीलिए मैंने तुझे 2 नग पहनाए हैं कि तेरे कम से कम बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, क्या समझे बेटी? ठीक है गुरु जी, अब के तो जाएगी और देखेगी तो तुझे लगेगा कि गुरु जी का आशीर्वाद तो मुझे लग गया। ठीक है गुरु जी, और एक बात है बेटी, तू पानी ज्यादा पिया कर, तेरे अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है। ठीक है गुरु जी। और एक बेटा, तेरे पैरों में ना प्रॉब्लम है, पैर तेरे सुन्न हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं ज्यादातर, हाँ जी गुरु जी, कई कई बार हो जाती है। ठीक टेंशन के कारण। कोई बीमारी नहीं है ये? है गुरु जी, और एक बात है और है, वो थोड़ी गलत बात है, बोलूं कि नहीं बोलूं? तू हाँ जी, हाँ जी बताओ गुरु जी। ना बेटी भुलक्कड़ टाइप है, भूल जाती है रख के, फिर तुझे बड़ी दिक्कत होती है, सोचना पड़ता है कहाँ रख दिया क्या रख दिया। ठीक है गुरु जी, और एक ना तो तू सुबह सुबह गुरु जी का ध्यान लगाया कर, मन में सोचा कर, गुरु जी मेरे पे कृपा कर दो, गुरु जी मेरे पे कृपा कर दो, गुरु जी मेरे पे कृपा कर दो, हाँ बोलेगी? जी, हाँ जी गुरु जी, करती हूँ मैं। इस बार जो पेपर दे के आई थी गुरु जी, उसने सिर्फ आपका ही नाम लिया, इसलिए मुझे लगता है वो मेरा पेपर क्लियर हो गई होगा। अब ये भी तो पास करना है ना, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, ठीक तो वैसे ही सोच समझ के जाइयो, जैसे बोला था ऐसे करियो। है गुरु जी। कोई उपाय नौकरी के लिए? हाँ, उपाय है हमारे पास, बढ़िया वाला उपाय है। हाँ जी गुरु जी। आपने क्या करना है बेटी, घर के पास कोई मंदिर है, हाँ गुरु जी, है वहां पे माता रानी का है कि शिव भगवान का है? शिव का मंदिर है सर गुरु शिव जी। मंदिर में आपने जाना है, शिव मंदिर के चरणों में बैठ के या शिवलिंग के पास बैठ के ओम नमः शिवाय बोलना है, ठीक है गुरु जी, सफेद फूल ले जाने हैं,
और सफेद फूल ले जाने कम से कम 5 किलो। 5 किलो, हाँ। सफेद फूलों को दूध से धो के शिवलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ाने हैं और घिसना है और उसको प्रणाम करना है। ठीक है गुरुजी। भगवान ने चाहा तो तेरा जो ये आ रहे हैं ना भगवान शिव का जो उपवास आ रहा है, हाँ जी गुरुजी, उससे पहले पहले तुझे मिठाई खिलवा देंगे बेटी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मुझे एक बात और पूछनी है। पूछ बेटी, क्या पूछना है? गुरुजी जब से ना मेरी शादी हुई है तब से मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। अपनी मम्मी का नाम बताएं आप। मेरी मम्मी का नाम है किरण, वैसे घर में उसको किरणा बोलती है। ठीक है। मोटी है कि पतली है? थोड़ी सी मोटी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। थोड़ी सी मोटी, आई मीन 60 किलो वजन है? हाँ नहीं गुरुजी, इतना नहीं, 55 के आसपास होगा। मतलब हमसे थोड़े मोटे लगते हैं, हम सारे पतले पतले हैं, तो हमें मम्मी मोटी लगती है। ठीक है। अच्छा एक बात था, मम्मी का कोई ऑपरेशन हुआ था क्या बेटी? गुरुजी उनको ना बाथरूम की प्रॉब्लम थी, तो छोटा सा ही हुआ था एक बार। कोई बात नहीं। उसको कितने साल हो गए? 4 साल हो गए या 5 साल हो गए या 6 साल? नहीं हो गए गुरुजी, 6-7 साल हो गए। ठीक है। एक बात था, जब मम्मी चलती है तो थोड़ा हिलती है, ऐसे कपकपाट से होती है बदन में? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी नहीं होता कुछ। अच्छा एक बात था, मम्मी को अभी भी कोई बाथरूम की प्रॉब्लम है या ठीक हो गई? नहीं है गुरुजी, अभी भी है। तो मतलब 3-4 महीनों के बाद ना वो एक होता है सलाई सी, वो मरवानी पड़ती है। मम्मी को ये बाथरूम की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी? हाँ जी गुरुजी, वो तो डॉक्टर ने भी कभी ठीक नहीं होगी। हाँ जी गुरुजी। और मम्मी के अंदर कपकपाहट है, खड़ी होएगी ना, हिला करेगी अंदर से, जैसे संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ जी गुरुजी, पहले तो ना ठीक रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तब से 4 महीनों से लगातार बीमार चल रही है। बुखार हो जाता है, उतरता नहीं है, ठंड लगने लग जाती है ज्यादा। आपके मम्मी के अंदर 3 प्रॉब्लम है। हाँ जी गुरुजी। दिल कमजोर हो गया। हाँ जी गुरुजी। दिमाग में सोचने की शक्ति कमजोर हो गई, मतलब ऐसा लगता है जैसे सोच सोच के बोलती है, याद कर करके बोलती है, ऐसे लगता है। हाँ जी गुरुजी। और आपकी मम्मी के अंदर एक और बात हो गई है, मतलब डर बैठ गया, जैसे जिंदगी के अंदर ये होता है ना कि अब शायद कुछ होगा नहीं ठीक, ऐसा लगता है उनको। हाँ जी गुरुजी। तो एक तो आप मम्मी के लिए ना स्वास्थ्य रक्षा कवच मंगा लो। ठीक है गुरुजी। ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक है। एक कहीं से मीन मुक्ता लेके मीन मुक्ता का लॉकेट बनवा के इनके गले में डाल दो। ये कहाँ से मिलेगा गुरुजी? ये हमारे यहाँ से मिलेगा, नहीं तो किसी मछली की दुकान पे जाएं तो मछली, बड़ी मछली बेचते हैं ना, उनके सिर में पत्थर होता है मछली के। ठीक है गुरुजी। उसको मीन मुक्ता बोलते हैं। और इतना झंझट नहीं पालना, कोई नकली दे दे तो फिर मेरे से आके लेना है और मम्मी के गले में वो डालना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी गुरुजी, आपको पैसे तनख्वाह देने आऊंगी तो आपसे लेके जाऊंगी। ठीक है बेटा। हाँ जी गुरुजी। और कोई उपाय गुरुजी मेरी मम्मी के लिए कि ये बार बार बीमार ना पड़े? अब तो स्टूडियो कह रहा है कि टाइम खत्म हो गया, तो हम आपसे दोबारा बात फिर किसी दिन करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत रहता है। इस प्रोग्राम में जुड़कर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करा सकते हैं, अपनी लाइफ में ऐसा आशीर्वाद ले सकते हैं कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। अब जीवन में जुड़ना है सिर्फ इस प्रोग्राम से, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। आप आशु भाई गुरुजी लिखवाएं, आप गुरुजी शब्द अपने घर के बाहर लिखवाएं सफ़ेद कलर से, और आप देखें सब कुछ ठीक हो रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी खूबसूरत चर्चा के साथ। नमस्कार। दिक्कत है ना, गलती होगी साहब जी। अरे साहब जी ने आंख उठाकर देख तो ले। अरे धारे तू, अरे कल तक तू साइकिल पंचर लाया करता, आज साहब क्यूकर बन गया। अरे सपना या दिखावा कौन है, यो तो आशु भाई गुरुजी की ज्योतिष विज्ञान का चाड़ा से। अच्छा और तब भाई मन ने भी ना चल गुरुजी ना धोरा मारा भी के मैं उद्धार हो जाते। तो चल ना मेरे यार, आ जा साइकिल छोड़ दे, बैठ पाछे।